बुक दो दो. वी आर स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल. विक्टोरियस का पेज नंबर 21. विक्टोरियस का पेज नंबर 21. नहीं नहीं मिला है, दो जन को नहीं मिला है. पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 2. मई 15, 8 मार्क्स. आर सी बीम बी दिया है, उसके बाद डी दिया है. अब ये डी में इफेक्टिव वर्ड लिखा है क्या, तो कैपिटल डी हो गया. इज सब्जेक्टेड टू अ फैक्टर लोड, एम यू डायरेक्ट दिया है. ए एस टी पूछा है. इफेक्टिव कवर मतलब डी सी दिया हुआ है. एल एस एम मेथड बोला है. एफ सी के और एफ वाई दिया है. देन दिस विल बी अवर क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 2, मई 15, 8 मार्क्स गिवन. स्मॉल बी इज इक्वल टू 250 mm, कैपिटल डी 500 mm. समझा कैपिटल डी 500 क्यों? इफेक्टिव वर्ड नहीं लिखा है, उसको बता. इफेक्टिव वर्ड नहीं लिखा है. फैक्टर मोमेंट मतलब एम यू बोलते या एम डी बोलते. 135 kN/m. कन्वर्ट मारो, 135 × 10⁶ N/mm. टी सी दिया है सब में 40 mm. एफ सी के दिया है सब में 20 N/mm². एफ वाई दिया है सब में 415 N/mm². उसके बाद टू फाइंड में पूछा है अपने को एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड. सॉल्यूशन आगे बढ़ेंगे. टिक मारो. स्टेप नंबर 1, एमयू फैक्टर मोमेंट. देखो वहां पे स्टेप लिखा है फैक्टर मोमेंट, करेक्ट ना? हम कौन से केस में जा रहे हैं? केस 2 में, इफ बी एंड डी इज गिवन वाला केस फॉलो कर रहे हैं. समझा कैसे? समझा आपको, क्योंकि आपको बी और डी दिया हुआ है सब में, तो हम केस 2 में जाएंगे. बट हमको स्मॉल डी लगता है, तो पहले स्मॉल डी ढूंढ ले. तो पहला वर्ड लिखता हूं मैं इफेक्टिव डेप्थ. डी बोलते हैं इसको, कैपिटल डी माइनस डी सी. कैपिटल डी है मेरा 500, डी सी है मेरा 40. अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आपको इफेक्टिव कवर नहीं दिया रहेगा तो कितना लोगे? 40. फिक्स है, शाबाश. एज्यूम बराबर. एमयू अपने को क्वेश्चन में दिया, तो वो स्टेप को स्किप करता हूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर्ड है. अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो फैक्टर्ड मोमेंट एमयू .. गिवन, ऐसा लिख सकते हो इफ यू वांट. डिजाइन स्टेप आपका बिगड़े ना उसके लिए. स्टेप 2 जाता हूं मैं. कैलकुलेशन ऑफ एक्सयू मैक्स, सॉरी एमयू मैक्स ना, कैलकुलेशन ऑफ एमयू मैक्स. एम यू मैक्स इज इक्वल टू एम यू लिमिट. एम यू मैक्स इज इक्वल टू, अभी कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं 415 के लिए? 0.138 एफ सी के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर .. एफ ई 415. चलो एम यू मैक्स 0.138 एफ सी के है 20, बी है 250 और स्मॉल डी है 460 का स्क्वायर. कैलसी ले लो, कितना आंसर आ रहा है? 146.00 नहीं लिखता हूं, इंटू 10⁶ N/mm. आपको कन्वर्ट नहीं करना है तो मत करो, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंपेयर करूं. कंपेयरिंग MU एंड MU मैक्स. MU कितना है दोस्त? MU है 135 और ये कितना है? 146. सो MU इज लेस देन MU मैक्स. अगर MU लेस आया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? AST कैलकुलेशन. चलो स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ AST का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ स्टील, करेक्ट? जब एरिया ऑफ स्टील में जाऊंगा तो मुझे AST का फॉर्मूला लगेगा. वो फॉर्मूला याद है क्या किसने लोग को? आरुष याद है?
नहीं याद है भरत? नहीं देखो इसको याद करो, ये देखो ऐसे याद करो, मेरे साथ याद करो, 0.5 इंटू एफ सी के अपॉन एफ वाई इंटू ब्रैकेट ओपन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू एम यू अपॉन एफ सी के इंटू बी इंटू बी इंटू डी, परफेक्ट है? ओके एक मिनट, ओके ध्यान देना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये शायद पहली बार देखे रहोगे ना फॉर्मूला, ये अभी फर्स्ट टाइम आया ना, ये फॉर्मूला आपको थ्रू आउट सब्जेक्ट लगने वाला है, स्लैब में भी लगेगा, फुटिंग में भी लगेगा, हर जगह ये कॉलम में भी लगेगा ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूले को आप अच्छे से याद करो। देन ये फॉर्मूला आई एस कोड में नहीं है, ए एस टी 0.5, एफ सी के का वैल्यू बोलो 20, एफ वाई की वैल्यू बोलो इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6, एम यू बोलो 135। इधर ध्यान देना 10^6, मिस्टेक करते बच्चे या नहीं लेते, भूल जाते, एफ सी के बी टी इंटू बी टी बराबर कैलसी में, आपको डायरेक्ट आपके सबके पास एडवांस कैलसी है, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देन जैसा इधर लिखा है वैसा उधर लिखना है आपको, ब्रैकेट जहां डाला है वहां डालना है 1 माइनस अंडर रूट डाल के 1 माइनस फिर वो फ्रैक्शन वाला बटन, वो जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, चलो वेरीफाई द आंसर, राइट है 990 एएसटी आ गया बराबर, एएसटी आने के बाद सम खत्म हो गया, यस खत्म हो गया, अपने को एएसटी पूछा था। आगे बढ़ेंगे, एज्यूम बोलो ना डाया क्या एज्यूम करूं, कितने का एज्यूम करूं डाया, एनी वन ऑफ यू? 12 का नहीं होता है, 12 का बहुत रेयर, देखो मैंने आपको रेंज दिया था, थे आप उसमें, हाँ तो 16 के हिसाब से और 20 के हिसाब से इतने रेंज में लेने का है वैल्यू बराबर, तभी देखो 990 है, तो आप 20 का लेते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं एज्यूम 20 mm डाया बार, अगर 20 mm डाया बार एज्यूम किया तो कितना आंसर आता है, एरिया ऑफ 1 बार 314.15 है, एम आई राइट? देखो याद हो जाना चाहिए आपको, कैसे मैंने बोला फटाक से 314.15, क्यों? क्योंकि मुझे फिक्स है 20 का इतना ही आता है बराबर, तो भी आप इतना होशियारी मत मारना, आप कैलकुलेट कर लेना उस टाइम पे। देन नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ बार्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बार्स टोटल एएसटी डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 बार, मार्क एलसी 990.15 डिवाइड बाय 314.15, 3.15 अप्रोक्सीमेटली 4 बार्स, ये 3 कौन देगा यार, 4 4 4 4 4, और एल्स आप क्या कर सकते हो 22 कर सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा। डन, मैं मानता हूँ 3.15 ऑलमोस्ट छोटा है वैल्यू, लेकिन ये लॉस हुआ बिल्डर का, कुछ ऑप्शन नहीं आपके पास, आप ज़्यादा दे सकते हो कम नहीं दे सकते हो स्टील, करेक्ट रिक्वायरमेंट है इतना 3.15 सलिया, तो आप कम से कम 4 डालो। डन, डायग्राम बना लेंगे और फिर न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। तो डायग्राम की बात करूं तो देखो डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपका बीम का क्रॉस सेक्शन है, इसका बी है 460 mm, कैपिटल डी है 500 mm, यहां पे आपका रेनफोर्समेंट है 1, 2, 3, 4, ये आपका स्टीरअप सलिया है, ये आपका स्टीरअप शियर रेनफोर्समेंट है, ये ऊपर एंकर बार है बराबर, ये आपका शियर रेनफोर्समेंट है, ये टच रहेगा, एक भी हवा में नहीं उड़ेगा, ना ही एक भी हॉलो रहेगा, हर एक चीज को कलर करना है आपको बराबर, पेन से कलर करना है, स्केच पेन लेके मत बैठना एग्जाम में, ठीक है? नहीं रहते बच्चे, ठीक है? तो कितना आया 4-20 mm डाया,
और ये स्टीरअप्स हो गया, ये आपका स्मॉल डी है, स्मॉल डी है 460 mm, करेक्ट है। अच्छा ये सही है कि गलत है वो चेक कर लेते हैं बस फॉर्मेलिटी के लिए, ध्यान देना 20 20 20 20 कितना हुआ 80 हुआ, पूरा गैप कितने का है, मतलब आराम से बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। ये कितना रहेगा दोस्त, एनी वन ऑफ यू, परफेक्ट, शाबाश। अभी कुछ कुछ प्रोफेसर्स क्या करते हैं, देखो सुनो इधर, कुछ प्रोफेसर्स कोई करता नहीं है बस बता रहा हूँ, कुछ प्रोफेसर्स क्या करते हैं, इधर से इधर तक को वो सीसी बोलते हैं, फिर ये 6 mm का 8 mm का स्टीरअप्स डालते हैं, ऐसा दिखाते हैं उन लोग, और फिर 20 का हाफ ऐसा दिखावा करते हैं। तो इट्स अप टू यू, करना है तो करो, वरना डायग्राम इज रेडी। इसको यहाँ पे लिख देना एंकर बार, एंकर मतलब हैंगर, हैंगर पता है, हैंगर लगाते हैं मम्मी कपड़े के लिए, तो सूट कैसे लटकाते हो हैंगर पे, तो वैसे ये स्टीरअप्स को लटकाने के लिए ये एंकर यूज हुआ है, वरना गिर जाएगा ये, समझ में आ रहा है, प्लीज खत्म करो। आप लोग को क्या लगता रहेगा, डबली है ना, डबली नहीं है, ये सिंगली है, ये एंकर बार है, वो स्टीरअप्स डालने के लिए उसको लगाया गया, अदरवाइज स्टीरअप्स नहीं रुकेगा ऊपर। चलो वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस विल बी आवर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 3। आप लोग बोर्ड पे नहीं देखोगे, आप खुद से करोगे। डिसंबर 16 10 marks, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील फॉर अ रेनफोर्समेंट ऑफ डायमेंशन स्मॉल बी इज 300 mm एंड डायरेक्टली स्मॉल डी दिया है 550 mm, बिकॉज वहां पे बाजू में इफेक्टिव वर्ड लिखा है। सब्जेक्ट टू हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग बेंडिंग मतलब बीएम दिया है आपको 120 kN/m, कवर नहीं दिया है सब में, कवर नहीं दिया है मुझे सब में, बट लगेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं एज्यूम वर्ड लिख देता हूं 40 mm। एफसीके दो केसेस दिया है उसमें, तो मैं एक केस सॉल्व करता हूं, एक आप प्रैक्टिस कर लेना। एफसीके ले लेता हूं मैं 20 N/mm² एंड FY ले लेता हूं मैं 250 N/mm² 2 AST क्वेश्चन मार्क डिजाइन के, मेरे को नो नीड टू राइट 2 ऑल्सो, इट्स अप टू यू, लिखना है तो लिखो। सो स्मॉल डी तो दिया है, तो ये स्टेप नहीं करना है अपने को, हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, एमडी बोलते या एमयू बोलते, क्या बोलते तुम लोग, एमयू 1.5 × BM, नहीं बेटा डीसी की जरूरत नहीं है आपको, ये सब में सिर्फ मैंने ऐसे एज्यूम करके छोड़ दिया डीसी। 1.5 BM है आपका 120, तो आंसर आया 180 kN/m। देन कैलकुलेशन ऑफ MU मैक्स, MU लिमिट का फॉर्मूला लगेगा 0. बोलो ना, FCK into B into D² 0.148 FCK है मेरा 20, B है मेरा 300, स्मॉल D है मेरा 550 का स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर, 268 × 10⁻¹⁰ N/mm 268.62 kN/m। So I've compared with MU, MU is less than MU max, am I right? Less है तो ये formula है, correct? करेक्ट ना, आप लोग का कौन सा केस आया, लेस आया कि ग्रेटर आया, लेस ही आया, ओके ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूले, जीरो पॉइंट फाइव FCK है 20, FY है 250 इंटू ब्रैकेट ओपन 1 − √1 − 4.6 MU है 180 × 10⁻⁶ लगाना भूलना मत,
अपन एफ सी के है 20, बी है मेरा 300, स्मॉल डी है मेरा 550 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ओपन 300 इंटू 550, इतना होने के बाद आपको ए एस टी आ जाएगा. वॉट इज द आंसर ऑफ ए एस टी, कैलकुलेट कर लो. डोंट गेट कन्फ्यूज, बी एम अलग है, एम यू अलग है. जब आपको सिप बेंडिंग मोमेंट बोला है तो आपको बी एम लिखना है, लेकिन जब आपको एक काम करो, पेज के ऊपर लिखो, पेज के ऊपर लिखो, मैं बोल रहा हूं. क्या लिखोगे? लिखो फैक्टर्ड, फैक्टर्ड स्लैश अल्टीमेट स्लैश डिजाइन. ये तीनों वर्ड का मतलब एमयू होता है. फैक्टर्ड स्लैश अल्टीमेट स्लैश डिजाइन, ये तीनों वर्ड का मतलब एमयू होता है. और 1.5 इंटू बी एम करना रहता है, बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट. समझ में आया? इसको हम बी एम बोलते हैं. क्लियर है? इसका दूसरे नाम रहते हैं एक्शियल स्लैश सेफ. ये दो अलग नाम है उसके, बेंडिंग मोमेंट चाहे एक्शियल मोमेंट चाहे सेफ मोमेंट. क्लियर है? चलो, तो आपको ए एस टी मिल गया रहेगा. कितना मिला ए एस टी? तो ए एस टी आ गया कितना? 17. देखो काफी बड़ा आया है डायमेंशन, 1700 के करीब आया है, करेक्ट ना? तो जब 1700 आया तो 20 का सलिया डालेंगे तो गलत हो जाएगा. एटलीस्ट 25 या 30 का डालो. तो 25 का डालते हम लोग, ठीक है? अगर 25 का डाल रहे हैं तो एरिया ऑफ वन बार कितना आ रहा है? कितना आ रहा है एरिया ऑफ वन बार? 400 के करीब आएगा. 490.87 mm square. करेक्ट है? सो नंबर ऑफ बार्स कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ बार्स कितने आ रहे हैं? थ्री पॉइंट अप्रोक्सीमेटली फोर बार्स आ गए. फोर बार्स ऑफ 25 mm. स्मॉल डी इज हाउ मच? 550. कैपिटल डी ये रहेगा. एंकर बार फोर बार्स ऑफ 25 mm. स्मॉल बी इज 300 mm. लास्ट न्यूमेरिकल में स्मॉल बी गलत हो गया था, इधर गलती से गलत लिख दिया था मैंने, बट बाकी सब सही था. डन. तो ये डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है? ओके, एक न्यूमेरिकल है. बुकलेट, बुकलेट दे. बोरा बुकलेट दो. एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 5. देखो 5 इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है. This will be our question 3, पेज नंबर 21 का VEC के बुक का क्वेश्चन नंबर 5. देर इज नो ईयर. ओके, क्वेश्चन है डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड बीम. सारे बीम अपने सिंपली सपोर्टेड ही है. फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ वॉल लोड ऑफ 18 किलो न्यूटन पर मीटर. वॉल लोड कितने का है दोस्त? 18 का है. गिवन, मस्त लोड क्वेश्चन है ये. वॉल लोड W 18 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, मतलब साथ में सेल्फ वेट दे दिया, अच्छा है दे दिया वरना और तकलीफ होता. B दिया है अपने को 230 mm. FCK दिया है अपने को 20 newton per mm square. एंड FY दिया है अपने को 415. एंड बीम दिया है सम का, इफेक्टिव वर्ड लिखा है सेंटर टू सेंटर, मतलब एल इफेक्टिव होता है. देखो ये बीम है, इमेजिन करो कहां है बीम. आपके सिर के ऊपर देखो एक बीम दिख रहा है आपको, दिख रहा है? ये दीवार पे रखी हुई है और ये दीवार पे रखी है. ये आधी दीवार पे रखी है, आधी दीवार पे ये बीम, अगला वाला बीम कंटिन्यू है. समझ में आ रहा है? समझ में आया?
ये दीवार पे भी रखी है, इसके आगे भी बीम है, वो आगे का वो छज्जा बाहर निकालने के लिए, ऊपर का रूफ, तो वो रूफ ऐसे बाहर निकला है, करेक्ट है? इज इट क्लियर? सेंटर टू सेंटर मतलब ये एंड से लेके ये एंड, देखो एक बार सुन लो मुझे, इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन, LE, क्या बोलते हैं? दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्लियर स्पैन। क्लियर मतलब जो अपनी आंखों से दिखता है, करेक्ट? तो ये क्लियर है, यहां से आप जब टेप लगा के मेजर करोगे, आपने जो ढूंढा वो क्या ढूंढा? और इफेक्टिव ढूंढने के लिए क्या करना है, जितने का वॉल थिकनेस रहेगा ना उसका हाफ ले लेने का, समझ में आ रहा है? दोनों साइड से, समझ में आया? तो आपको डायरेक्टली कौन सा स्पैन दिया है दोस्त? इफेक्टिव दिया, तो आपको कुछ मेहनत करना है क्या? नहीं। अगर नहीं क्लियर स्पैन देता तो आप क्या करते? प्लस वॉल थिकनेस, इधर से हाफ, इधर से हाफ, मतलब एक वॉल थिकनेस, समझ में आया सबको? समझा हो हीरो? समझा? यस, ओके, ध्यान देना, इफेक्टिव स्पैन है, FCK है, FY है, B है, ये है। अब वी आर हैविंग टू डिजाइन स्टेप, हमारे पास दो डिजाइन स्टेप है, एक डिजाइन स्टेप बोलता है इफ बी एंड डी इज गिवन, और दूसरा डिजाइन स्टेप बोलता है इफ बी एंड डी इज नॉट गिवन। तो अपने सब में क्या डी दिया है अपने को, बट बी दिया है, करेक्ट ना? तो इसको हम लोग कौन से डिजाइन स्टेप से करेंगे पता है? इफ बी एंड डी इज नॉट गिवन वाले से, क्योंकि बी मिसिंग है ना, डी मिसिंग है ना, करेक्ट बोल रहा हूं? चलो ध्यान देना, समझा क्यों डिजाइन स्टेप यूज किया ये वाला? यस, अच्छा एक सब में और एक इंपॉर्टेंट चीज दिया था कि यहाँ पे वॉल लोड दिया है, इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। देखो अभी आप जिस फ्लोर पे बैठे हो, एक फ्लोरिंग है आपका, एग्जैक्ट रेप्लिका नीचे वाला फ्लोर रहेगा, फर्स्ट फ्लोर, बराबर बोल रहा हूं? अभी ध्यान देना, हम ये बीम डिजाइन कर रहे हैं, ये वाला बीम, ये बीम दिख रहा है, कैपिटल डी, बी, बी कितना रहेगा? जितना वॉल थिकनेस, एम आई राइट? ये डी, ये क्या चीज है? वॉल है, नीचे गया, नीचे जाएगा सेकंड, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, ऐसा ही सेम बीम रहेगा, वो बीम पे क्या क्या लोड आएगा? दो लोड आएगा, कौन से दो लोड आएगा? एक तो फ्लोर का लोड आएगा और एक ये वॉल का लोड आएगा। एक्चुअली तुमको थोड़ा सा प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, देखो जब कोई भी घर बनता है ना तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब एक के बाद दूसरा रूम, जो कि रियल में ऐसा ही रहता है, लेकिन अभी TRCS में आप पढ़ोगे नहीं। जो बीच वाला रहता है ना इसको बोलते हैं सेकेंडरी बीम, SB बोलते हैं, और जो साइड वाला रहता है ना उसको बोलते हैं प्राइमरी बीम। और इजी करता हूं, सेकेंडरी बीम आपके ये घर, देखो ये सेम घर मैंने बनाया है आपको, ये ऐसे बनाया, आपका घर ऐसा है जिसमें आप बैठे हो, दिस इज अ कौन सा बीम? परफेक्ट। एंड साइड साइड में कौन सी बीम? लॉजिक क्लियर है? ये सेकेंड, पहले क्या किया है, ये प्राइमरी बीम के ऊपर ये सेकेंडरी बीम को रखा हुआ है, इज इट क्लियर? ये मेन बीम है, वो बीम के ऊपर ये बीम को रख दिया है ताकि ये डिफ्लेक्ट ना हो, ऐसे नीचे की तरफ ना आए, ये ऐसा नीचे ना आए, तो बीच में एक और बीम डाल दिया है। अभी तुमको लोड ट्रांसफर समझाता हूं मैं, तुमको जरूरत नहीं है फिर भी समझा रहा हूं मैं, तुम्हारे को नहीं काम आएगा, ये काम आएगा तुमको नेक्स्ट सेमेस्टर में, बट अभी समझ के लो। जब इसका लोड ट्रांसफर होगा ना तो ये वाला लोड इस पे जाएगा, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं वन वे ट्रांसफर, इसको बोलते हैं वन वे ट्रांसफर, ऐसा टू वे भी होता है, टू वे में ट्रेपेज़ॉइडल जाता है, बट इतना जरूरत नहीं है आपको, फिलहाल इतना समझ के लो, वन वे ट्रांसफर ऐसा होता है। मतलब क्या होता है, ये स्लैब का जो लोड है, मतलब जिस हम स्लैब पे बैठे हैं, ये पूरा का लोड ट्रांसफर होकर किस पे जा रहा है? इस पे जा रहा है, और इसके थ्रू किधर जा रहा है? वॉल पे नहीं जा रहा है, प्राइमरी बीम पे जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो देखो ये स्लैब का लोड गया सेकेंडरी बीम पे, और सेकेंडरी बीम ने रिएक्शंस डेवलप करके दोनों बीम पे भेज दिया, लॉजिक क्लियर है? मतलब देखो ये तुम्हारा प्राइमरी बीम है, इसके ऊपर सेकेंडरी बीम रखा है, और इसके ऊपर मैंने एक बुक रख दिया, बुक का लोड किस पे जाएगा? सेकेंडरी बीम पे, और सेकेंडरी बीम से किस पे लोड गया? प्राइमरी बीम पे, समझ में आया आपको? यस, और ये प्राइमरी बीम से फिर वो कॉलम को देगा, कॉलम से फुटिंग को देगा, और फुटिंग के बाद अर्थ को चला जाएगा, लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? इमेजिन हुआ रहेगा। तो अब देखो आपके सब में क्या बोला है कि बीम पे पर कौन सा लोड आ रहा है? वॉल लोड।
कहीं पे भी उसने मेंशन किया स्लैब का लोड, डोंट वरी आपको मेंशन भी नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल है, मींस अगले सेमेस्टर का काम है अभी, अब भी नहीं है, बट मैंने नॉलेज के लिए बताया। तो जो ये प्राइमरी बीम है ना, इस पे किसका किसका लोड आता है पता है? सेकेंडरी बीम का आता है, एक तो खुद का वजन आता है और इधर साइड में वॉल रहेगा, वॉल का लोड आता है। तो आपके न्यूमेरिकल में कौन सा बीम है आपको समझ में आया? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? प्राइमरी है, लॉजिक क्लियर है, प्राइमरी बीम है, बट बीच वाला लोड ट्रांसफर नहीं किया उसने, लॉजिक क्लियर है? तो स्लैब का लोड नहीं दिया है अपने को, सिर्फ वॉल का लोड दिया है। तो आपका बीम का डायग्राम देखो कैसा रहेगा, देयर इज नो नीड टू राइट टू फाइन, क्योंकि डिजाइन का न्यूमेरिकल में नहीं लिखते, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। आपने इसको सिंपली सपोर्ट बीम बना लिया और यहां पे आपने क्या डाल दिया, यू वॉल लोड डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे, क्वेश्चन में उसने बोला है क्या कि फैक्टर्ड है कि विदाउट फैक्टर्ड है, कुछ ऐसा वर्ड बोला है उसने कहीं भी मेंशन किया फैक्टर्ड? जब फैक्टर्ड मेंशन नहीं है तो हमको फैक्टर्ड करना पड़ेगा, तो लोड को नहीं करेंगे हम, बेंडिंग मोमेंट को करेंगे, किसी एक चीज को करना है। अगर सपोज आपका लोड फैक्टर्ड रहता ना तो आपको डायरेक्ट एमयू मिलता, अगर आपका लोड फैक्टर्ड नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, बीएम मिलेगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लोड आपका फैक्टर्ड नहीं है तो आपको बीएम मिलेगा, अगर लोड फैक्टर्ड है तो आपको क्या मिलेगा, एमयू मिलेगा। इज इट क्लियर? स्पैन दिया है आपको 4 मीटर। अच्छा एक वर्ड और लिखा है उसमें, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट। अगर एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट रहता ना तो मुझे सेल्फ वेट निकालना पड़ता। सेल्फ वेट निकालने का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? स्मॉल बी कैपिटल डी डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसा भी समझ लूंगा, डोंट वरी, शायद हमने किया है स्टार्टिंग में सेल्फ वेट माइनस। ठीक है आगे आते हैं, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। आप ये स्टेटमेंट लिख के फिर इसके नीचे डायग्राम बनाना, मैंने पहले ही बना दिया, देन जिसे हम बोलेंगे बीएम। बीएम का फॉर्मूला आ जाएगा सिंपली सपोर्ट बीम के लिए, बोलो स्टॉप एक सेकेंड, देखो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत सारे केसेस कंसिडर करना है। सिंपली सपोर्ट की जगह दूसरा क्या आ सकता है, कैंटिलीवर। व्हाट विल बी द फॉर्मूला, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 रहता है कैंटिलीवर में। अगर कैंटिलीवर बीम है तो बीएम का फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय, याद है अगर सिंपली सपोर्ट है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। ये याद करो आप लोग, ऐसे इसीलिए पढ़ाया गया आपको, देन पास होके छोड़ देने के लिए नहीं। डब्ल्यू आ गया 18, एल आ गया 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8, बीएम कितना आ गया 36 आया, 36 किलो न्यूटन डॉट मीटर। इसको फैक्टर कर लेंगे हम लोग, करेक्ट। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट MU, MU इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ BM। कितना आंसर आया, 54 आया किलो न्यूटन डॉट मीटर। MM में कर लेंगे 54 इंटू 10 इज टू पावर 6 न्यूटन डॉट MM। स्टेप 3 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ जिसको हम बोलते हैं स्मॉल डी। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, MU इज इक्वल्स टू MU लिमिट, MU इज इक्वल टू MU है 54 इंटू 10 रेस टू पावर 6। MU लिमिट का फॉर्मूला है FE के हिसाब से 415 138 इंटू बी इंटू डी स्क्वायर, यहां से D मिलेगा अपने को, करेक्ट ना, D अपने को यहां से मिलने वाला है 54 इंटू 10 रेस टू पावर 6 0.138, FCK है मेरा 20, B है मेरा 230, स्मॉल D है मेरा मिसिंग, शिफ्ट सॉल आई विल गेट द आंसर ऑफ स्मॉल D, यूनिट रहेगा MM। व्हाट इज द आंसर, स्मॉल D कितना आया, स्मॉल 291.66। इसको अप्रोक्स मार लेंगे इधर ही, देखो ऐसा 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 डायमेंशन में नहीं प्रोवाइड करते, इसको क्या करेंगे 300 कर देंगे, 300 mm अप्रोक्स मार रहा हूँ तो अप्रोक्स का सिंबल लगाना पड़ेगा, करेक्ट। 300 mm पे मैंने इसको ये कर दिया,
ओवरऑल डेप्थ ढूंढ लेंगे स्टेप नंबर फोर, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी, स्मॉल कैपिटल डी, कैपिटल डी इज इक्वल टू डी प्लस डी सी, 300 प्लस डी सी दिया गया सब में, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ गिवन में जाके, देखो एज्यूम गिवन में लिखना पड़ेगा, 50 भी कर सकते हो, मैं 40 ही किया, चलेगा ना, 340 mm, ठीक है, कैपिटल डी तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, परसेंट पीटी, पीटी लिमिट का फॉर्मूला, क्या बोल रहे हो, विड्थ ऑफ बीम नहीं निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया, नहीं दिया रहता तो आपका फॉर्मूला 0.5d। देन आगे बढ़ रहे हम लोग स्टेप नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील, पीटी लिमिट, पीटी लिमिट इज इक्वल्स टू 0.048, सर 48 क्यों, एफ 415 है, डॉट 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 एफ 415, 0.048 एफ सी के दिया है दोस्त, 20 आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कितना है बता देना, परसेंटेज ऑफ स्टील आता है ये। लास्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील, एएसटी बोलते हैं इसको, कितना है 0.96 ना, ये आंसर लगभग है ना 2% से नीचे ही रहेगा, याद रखना स्टील 1% ही प्रोवाइड करते हैं हमेशा हर जगह, देन मतलब पूरा कॉन्क्रीट रहेगा 99%, तो 1% स्टील, परसेंट पीटी एएसटी इंटू 100 अपॉन स्मॉल बी इंटू स्मॉल डी, क्या हुआ, क्या है स्टेप 6, एएसटी 0.96, स्मॉल बी है मेरा 230, स्मॉल डी है मेरा 300 अपॉन 100, तो AST आ जाएगा, क्या किया समझा ना, अगर सपोज आपके पास इतना दिमाग नहीं है तो आप यहीं पे डाल के शिफ्ट सॉल्व कर लेना, यहाँ पे AST को X रख के, डन, कुछ नहीं किया, ये सबको मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया, AST मिला, ठीक है, AST आ जाएगा, फिर नंबर ऑफ बार सिलेक्ट ढूंढ लो, बढ़ाया एज्यूम करके नंबर ऑफ बार्स ढूंढ लो, चलो AST कितना आया 662.4 mm स्क्वायर, तो कितने का एज्यूम कर रहे डाया हम लोग 16 कर रहे हैं, ठीक है चलेगा, एज्यूम 16 mm डाया बार, तो एरिया ऑफ वन बार कितना आ रहा है दोस्त, तेरा आवाज आता तो अच्छा लगता है, 201.06 mm स्क्वायर, देयरफॉर नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे, अप्रोक्सीमेटली 4 बार्स, कुछ बेवकूफ प्रोफेसर रहते हैं ना यहाँ भी मार्क्स काटते, बोलते अरे 3.29 है तो 4 कैसे लिख दिया, पर उनका क्या कहना रहता पता है, आप 14 लेके देखो 12 लेके देखो कि मतलब ऐसा आंसर आना चाहिए 3.89 या फिर 3.9 समझे ना, तो उसको 4 करो प्रिसाइज करने के लिए, बोलते हैं अनइकोनॉमिकल डिजाइन है, कुछ नहीं सोचने का बिंदास करने का, पर तो नंबर ऑफ बार्स कितना आ गया 4 बार्स, बराबर डायग्राम बन जाएगा, स्टेटमेंट ये तो लिख दो, देयरफॉर प्रोवाइड 4 बार्स ऑफ 16 mm डाया एस टेंशन रिइंफोर्समेंट, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, फिर डायग्राम बना सकते हो, पता ना डायग्राम कैसे बनता है, प्लीज बना लो सर, मतलब डिजाइन के समय बनता है क्या, येस आफ्टर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल डिजाइन जब भी रहेगा एएसटी निकालोगे तब आपको डायग्राम बनाना रहता है, एनालाइज के समय नहीं बनता है, एनालाइज के समय में आप गिवन में बना सकते हो डायग्राम, देयरफॉर प्रोवाइड 4 डैश ऐसे लिखने का, देयरफॉर प्रोवाइड 4 डैश, देयरफॉर प्रोवाइड 4 डैश 16 mm डाया एज टेंशन रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट पूरा लिखने का बराबर इन टेंशन जोन, या टेंशन साइड बोल सकते हो आप लोग, इन एट आएगा ना,
एट टेंशन साइड, ठीक है, प्लीज कंप्लीट करो। इधर अपना डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम खत्म हो गया, हमने दोनों केसेस कवर किए, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टाइप।